लखनऊ के नाहरपुर गांव में सैकड़ों वकील जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। मालिक ने विरोध किया तो उसको धमकाने लगे। सूचना पर पहुंचे मंडियाओं पर भारी और उनके सहयोगियों को घेर कर वकीलों ने पथराव कर दिया। इस हमले के बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लेकर अपनी आगे की जांच शुरू कर दी। तमाम संसाधनों से लैस लखनऊ की हाईकोर्ट पुलिस का खौफ अब खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। कंट्रोल रूम की सूचना पर किसान की कब्जा हो रही जमीन छुड़वाने गए मंडियाओं पुलिस पर काले कोटधारी लगभग 3 दर्जन से अधिक गुंडों ने हमला बोल दिया। वकीलों के हमले पर इंस्पेक्टर मंडियाओं बाल बाल बचे, लेकिन जिप्सी चालक इंद्रजीत राय मामूली रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लखनऊ के मंडियाओं की नहरपुर गांव में किसान की जमीन पर वकीलों ने कब्जा करने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वकीलों की हरकत को कैमरे में कैद करने की कोशिश ही की थी, इतने में वकील उग्र हो गए और इंस्पेक्टर अमरनाथ वर्मा और 2 अन्य हमराइयों से धक्का मुक्की करते हुए मारपीट करने लग गए। वहीं पुलिसकर्मियों के विरोध करने पर वकीलों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। नहीं, एक जमीन के कब्जे को लेकर विवाद था। पुलिस उस कब्जे की सूचना पर वहां पहुंची थी। उसमें जमीन वाले और हो सकता है उसमें कुछ अधिवक्ता भी हों, वो लोग पहुंचे थे। उसमें से कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, जिसमें कि शीशे चटकने की बात आई है। उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके जो 8-10 जो लोग थे जो इस तरह का विधि के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, उनको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। नहीं, पीएससी तो वहाँ रहती ही है। कोई लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा बवाल नहीं, किसी तरह की कोई फोर्स की ऐसी ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने जिन्हें हिरासत में लेना था ले लिया है, और जो हमारे CRPC IPC की धारा है उसके अंतर्गत विहित कार्रवाई कानून के विधि के अनुसार करेंगे। और इस खबर पर आतिक अहमद हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आतिक, ये जमीन किसकी है और क्या वकील इस पर कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, मुझे बताया साफ तौर पर लखनऊ में मड़ियाओं क्षेत्र के नहरपुर गांव का ये मामला है, और करीब 3 से 4 दर्जन वकील जो है 10 बीघे जमीन किसान की जो थी उसमें कब्जा करने के लिए पहुंचे थे, और किसानों ने जब जो रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जो बाहर भगा दिया। इसके बाद किसान ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पहुंचती है, जो हालात काबू में होते हैं तो इंस्पेक्टर मड़ियाओं मौके पहुंचते हैं और वकीलों की कहा सुनी होती है। उसके बाद वकील इतने उग्र हो जाते हैं कि मड़ियाओं पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं उनके हमला करते हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ते हैं और उनको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब पुलिस और वकीलों में झड़प होती है तो मड़ियाओं ने कई स्थानों की फोर्स मौके पर बुला के और PSC को बुला के हालात से काबू करने की कोशिश की। फिलहाल देखा जाए खासतौर पर जो हालात चल रहे हैं लखनऊ में क्राइम व्यवस्था की बात साफ तौर की जाती है, लखनऊ के मंत्री कहते हैं वो बहुत रोजे घिरा चला रहा है, और वकील जमीन किस तरह कब्जा करने के पहुंचे हैं गुंडे के रूप में ये आमतौर पर एक बात है। तो साफ तौर पर गाड़ियाँ तोड़ गई हैं पुलिस की, उसको काफ़ी चोट भी आई है पुलिस के जो ड्राइवर की कुछ चोट आई है 17,000 के ड्राइवर ने। तो पूरा मामला फिलहाल ये है, और उसके मामले में जो है इंस्पेक्टर मड़ियाओं ने कई वकीलों के खिलाफ आतिक, लखनऊ की हाईकोर्ट पुलिस वकीलों के आगे बेबस नजर आई और कानून ही कानून से भिड़ गया, क्या कहेंगे आतिक? देखिए, साफ तौर पे ये ऐसे मामले यूपी में कई जिलों में देखने को आते हैं, और लखनऊ में भी अब जो वकील है वो कानून की बात ना ही जाए और गलत किराबों में वकीलों को कब्जा करते हैं, ऐसे मामलों में पढ़ते हैं और कब्जा करने पहुंचते भी हैं। तो साफ तौर पर जो कानून के रखवाले हैं और जो कानून आते हैं वही कानून से भिड़ गए हैं, और पुलिस और वकीलों की झड़प आई थी लखनऊ में जीती है, जिसकी वजह से कई बार हंगामा भी होता है। और ये मामला काफ़ी हाई पर इसलिए क्योंकि जमीन के लोग कब्जा करने गए थे उस जमीन की कीमत 1,00,000 रुपये में है। वकील का कहना है कि उसके पास रजिस्ट्री है, वो कानूनों और देखभाल को लेकर पैमाइश कराने आए थे, और किसान का कहना है साफ तौर पर जो रजिस्ट्री वकील के पास है वो बढ़ती है उनके पास इसलिए। तो पूरा मामला देखते हुए देखा जाए तो अब तीन मुद्दे बन गए हैं और पूरी फीस को रोक पा रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर लखनऊ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और कब्जा करने में अब दूसरे थोड़े वकील जो है आगे जा रहे हैं। आतिक, सुनने में आया है कि कई बार वकीलों ने समझौते को लेकर पुलिस पर दबाव भी बनाया, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। देखिए, साफ तौर पर जब ये मामला मौके पे नहीं निपटा तो इंस्पेक्टर मड़ियाओं ने कई थानों की फोर्स बुलाकर सीओ मौके पहुंचे और वकीलों को चिन्हित करके थाने फैलाया गया, और थाने में वकील कम से कम 50-60 वकील होते होते कम से कम 80 वकील थाने पे जवाब लगाकर और पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे इस मामले में जमीन कब्जा कर लिया। मगर पुलिस ने कहीं ना कहीं जो है इस मामले में इंसाफ दिलाया उस किसान को,
के प्रकरण में भी जमीन से वकील के प्रकरण पहुंचे थे और पूरे प्रकरण में कम से कम 12 से 13 जो पेज वर्मा जज में किया गया है। आगे वकीलों ने कहा है कि मामले को बड़ा पलटा मामला काफी बढ़ सकता है, ये देखना होगा। और साफ तौर पर जो वकीलों ने जितना गलती करी उसको पुलिस ने एक्शन लिया। आदि क्या कुछ कार्रवाई अब तक के वकीलों पर की गई है? देखिए साफ तौर पर जिस तरह से ये हंगामा किया गया और कानून को वकीलों ने हाथ किया, कब्जा करना किया, कब्जा करने की कोशिश की किसान की जमीन से, उस तरफ से जो ये दर्ज किया है मरियाम पुलिस ने उनसे 6 संख्या धाराओं में ये दर्ज किया है वकीलों को कब्जा करना, सरकारी काम में बाधा डालना और जो मिट्टी तोड़ी गई जो सरकारी जो जो वस्तु है उसको सर्जित करने में किया गया और 12 वकीलों को छीन लिया है। ये कार्रवाई की है, आज ही कार्रवाई पुलिस ने कहा है कि और वकीलों को छीन करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून व्यवस्था को हालात को काबू करने की और हाथ जी। शुक्रिया आतिक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए और कुछ भी अपडेट होगा तो हम फिर से आपका रुख करेंगे। तो हमारे संवाददाता आतिक अहमद ने बताया कि किसान की ज़मीन पर वकीलों ने कब्जा करने के लिए आए थे लेकिन किसान ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद गुस्साए वकीलों ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि खाकी पर हमला करने वाले अब इन वकीलों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लखनऊ से सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस आतिक अहमद की रिपोर्ट।